नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में आपके साथ आकांक्षा। पारी खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी से की मुलाकात, उत्तराखंड के विकास सहित विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ली विभाग की समीक्षा बैठक, उत्तराखंड मंत्री रेखा आर्य वीसी के जरिए जुड़ी योजनाओं को लेकर हुई चर्चा। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भाजपा गणाई मंडल की बैठक, प्रदेश मंत्री दिनेश आर्य ने कार्यकर्ताओं को दी जानकारी, कहा इसे जन जन का अभियान बनाना है। उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनाव अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में, इलेक्शन से पहले अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को निगम बनाने की कवायद, ओबीसी आरक्षण को लेकर भी तैयारी पूरी। और उत्तराखंड के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने सभी को दी सतर्क रहने की सलाह, चमोली में बद्रीनाथ हाईवे बंद। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वो कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। सीएम धामी ने दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं ने राज्य के विकास, अतिवृष्टि के कारण हुई आपदा और राहत कार्यों सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। केंद्रीय महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सभी राज्यों की वर्चुअल बैठक की। वहीं इस वर्चुअल बैठक में उत्तराखंड की महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या शामिल हुई। रेखा आर्या ने उत्तराखंड में महिला और बाल विकास की ओर से संचालित किए जा रहे कार्यों की प्रगति के बारे में विस्तार से चर्चा की। इसी क्रम में उन्होंने कई समस्याओं से भी केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया। इसी क्रम में रेखा आर्या ने कहा कि राज्य की आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को सशक्त करना और नौनिहालों को कुपोषण से मुक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, आज भारत सरकार महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्रालय के द्वारा एक वर्चुअल मीटिंग देश के सभी प्रदेशों के WCD मिनिस्टर के साथ की गई है, जिस बैठक के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा पोषित योजनाओं की क्या प्रगति उत्तराखंड की रही है अथवा अन्य राज्यों की रही है, वो विषय चर्चा का विषय बना। इसके साथ ही हमारी उत्तराखंड की जो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, हम लोगों ने महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए क्या क्या योजनाएं संचालित की हैं, उससे उनको अवगत भी कराया। साथ ही प्रदेश में जो समस्याएं अथवा चुनौतियां योजनाओं को लेकर है, उसमें हमें लगता है कि इन इन चीज़ों में संशोधन किया जाना चाहिए या उसे ठीक किया जाना चाहिए, उन समस्याओं और सुझावों को भी उनसे अवगत कराया। उदाहरणतः है हमारे यहाँ पर आंगनबाड़ी भवनों को निर्माण के संदर्भ में 12 लाख की धनराशि दी जाती है, जिसमें 12 लाख की धनराशि में केंद्र सरकार की ओर से 4 लाख की धनराशि दी जाती है और 4 लाख की धनराशि जो है राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है, शेष धनराशि मनरेगा के माध्यम से की जाती है। उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनाव अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में होंगे। सरकार ने इस टाइमलाइन के साथ तैयारियां तेज कर दी है। ओबीसी आरक्षण से लेकर निकायों के परिसीमन की सभी तैयारियां 15 सितंबर से पहले पूरी कर ली जाएंगी। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भेज दिया जाएगा। सरकार ने निकाय चुनाव से पहले अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम बनाने की कवायद भी तेज कर दी है। प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर को पूरा हो गया था। 6 महीने यानी 2 जून तक के लिए निकाय प्रशासकों के हवाले हो गए थे। क्योंकि कुछ लोग इसमें भ्रांतियां फैलाने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार की मंशा हमेशा रही है कि हम निकायों के माध्यम से ज्यादा लोगों को सुविधाएं दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के उस क्षेत्र का विकास करें। हम लोग समय समय पर निकायों का उच्चीकरण करने का काम करते रहे हैं। इसी प्रकार अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ का जो नगर पालिकाएं,
यहाँ जिस प्रकार से लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं कि हम लोग सीमा विस्तार कर रहे हैं, जबकि सीमा विस्तार नहीं है, जो नगर पालिका है उसी को हम उसका उच्चीकरण कर रहे हैं। ऐसी जनपद है देहरादून का डोईवाला, जो नगर पालिका है वो क्लास 3 में है, उसे क्लास 1 में लाने की बात जो हमारे स्थानीय नेताओं के द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा, जनता के द्वारा जिससे मांग की गई थी, उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। यानी कि इन जो हमारे निकाय है इनका हम उच्चीकरण कर रहे हैं, और आने वाले टाइम पे जब यदि इस पर हम निर्णय ले लेंगे तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का विकास भी होगा, और वहाँ जो स्थापनाएँ हैं उनमें भी विकास की दृष्टि से उससे उसमें सहायक सिद्ध होगा। जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले डुमक गांव विगत कई सालों से सड़क संबंधित समस्याओं से जूझ रहा है। आपको बता दें डुमक गांव में आजकल स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क संबंधित समस्या पूरा न होने के चलते क्रमिक धरना प्रदर्शन जारी है। डुमक गांव में क्रमिक धरना प्रदर्शन को 10 दिन बीत चुके हैं और ग्रामीण आज भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, लगातार शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि जल्दी ही शासन और प्रशासन अगर उचित कार्रवाई नहीं करता है तो गांव वाले उग्र आंदोलन करने पर उतारू हो जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। आज हमारे कर्मिक धरने का 10वां दिन बीत चुका है, लेकिन शासन प्रशासन से कोई अभी तक सूचना नहीं मिली है कि बार बार हमें झूठा आश्वासन दिया जा रहा है कि तुम्हारी मांगे पूरी होगी, लेकिन अभी तक कोई मांगे पूरी नहीं हुई। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो कल से हम कर्मिक उपवास रखने के लिए भी तैयार हैं और आगे उग्र आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। हल्द्वानी में वार्ड नंबर 59 और 60 में अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 37 करोड़ की लागत से वार्ड संख्या 59 और 60 में पेयजल और सीवरेज लाइन को बिछाए जाने का काम किया जा रहा है, लिहाजा कोई इलाका ना छूटे इसके लिए स्थल निरीक्षण करते हुए मजहर नईम नवाब ने कहा कि इस पूरे इलाके में पेयजल सीवरेज और सड़कों के लिए बजट आ चुका है, लिहाजा विधिवत और पारदर्शी कार्य हो इसके लिए पहले ही अधिकारियों के साथ मिलकर सर्वे किया जा रहा है। नगर निगम का सबसे बड़ा वार्ड है, वार्ड 59 और 60। 59 का 100% एरिया और 60 का लगभग 10 से 20% एरिया है जो सीवर लाइनों से आज पूरी तरीके से काम शुरू होने वाला है। इसके लिए हमारी सरकार ने 37 करोड़ से ऊपर धनराशि आवंटित हुई है, जिस हिसाब से एस्टीमेट बना था, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी काठगोदाम में इसका शिलान्यास भी किया था। इस काम की शुरुआत में आज हम इन गलियों का निरीक्षण कर रहे हैं, कौन सा एरिया वंचित रह जाता है, कौन सी एरिया में क्या काम होना है। इसमें लगभग सारी सड़कें, सारी सीवर लाइन और नालियाँ, सारा यहाँ कोई गली नहीं छूटेगी सीवर से और नाली से। बीते दिनों दिल्ली कोचिंग संस्थान में छात्रों के साथ हुई दुर्घटना के बाद सीएम धामी के द्वारा कोचिंग संस्थानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की जांच करने के निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दिए गए थे। एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट के नेतृत्व में फायर विभाग, विद्युत विभाग, राजस्व विभाग और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के द्वारा नगर के होटल, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। प्राधिकरण के जय साहब, हाईडेल के जय साहब, पीडब्ल्यूडी के जय साहब और तहसीलदार साहब, पुलिस अग्निशमन के सक्षम अधिकारी के साथ में आज नगर क्षेत्र में जितने भी होटल या हमारे प्रतिष्ठान बेसमेंट या भूतल में चल रहे हैं उनका निरीक्षण किया गया, और जो भी मानक है, जो भी SOP जारी हो रही है उनके संबंध में उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं, और इसमें जो भी कमियाँ पाई गई है उनको संबंधित को लिखित नोटिस दिया है। हल्द्वानी मार्ग के छोई के पास दोपहर में एक बोलेरो वाहन और स्कूटी की जबरदस्त भिड़ंत हुई और स्कूटी सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक घटना में शामिल बोलेरो एक पुलिस अधिकारी का बताया जा रहा है। रामनगर के मोहल्ला इंदिरा कॉलोनी निवासी खताड़ी निवासी वसीम के साथ बैल पड़ाव से वापस स्कूटी से रामनगर की ओर आ रहे थे, और इसी बीच
छोई के पास एक बोलेरो वाहन से स्कूटी की भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने एक को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल वसीम को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है। ये जो मेरे जेठू के लड़के हैं ये, और जब मुझे यही पता लगा कि सीओ की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, और दोनों ड्राइवर और उसके बगल में जो बैठे थे दोनों बिल्कुल फुल थे, बिल्कुल एकदम, और पुलिस लिपापोती कर रही है, और यहाँ दारू पी के जब यहाँ छोड़ना है, यहाँ छोड़ के सीधे भाग गए लोग, तो ड्राइवर भी मेडिकल कराने नहीं आए थे। मैं उनसे कह रहा हूँ, और पुलिस वाले इतना भीड़ लगी हुई है, इनसे कह रहे हैं उनको लेकर उनको मेडिकल कराओ, वो कह रहे हैं पता नहीं कहाँ चले गए, हमें पता नहीं है, अभी ढूंढ रहे हैं उनको, ये कह इनका लिपापोती करके यही बहाना है, कह रहे हैं आप तहरीर दो पहले उसकी, पहले ये करो, थाने में चलो। मैं कहा तुम्हारे गाड़ी सीओ की गाड़ी से हुआ तो ये तो सब तुम्हें पता ही है, 100 नंबर पर कॉल कर दी हमने, एक्सीडेंट कर दिया सीओ की गाड़ी निकल के। ये इसका नाम अर्पित पवार था, लगभग 19 साल का था, लगभग हाँ अभी इसके कॉलेज में था, अभी पापा एक्सपायर हुए लगभग 7 महीने पहले, और पुलिस से कितनी हमने रिक्वेस्ट कर दी उनको लेकर आओ करके, कोई लाने को राजी नहीं है। मेरा भाई और वो हमारे घर में टाइल लगाने वाले मिस्त्री वहाँ बैल पड़ा हुआ टाइल देखने के लिए गए थे, और उनके लौटने के दौरान उनका एक्सीडेंट हुआ है सीओ की गाड़ी से, बताया जा रहा है, और उसका फुल प्रूफ भी है, वीडियो भी है, और अभी तक पुलिस वालों के द्वारा इधर कोई भी एक्शन नहीं लिया है। हाँ शराब पिए हुए थे पुलिस वाले दोनों के दोनों, और जो ड्राइवर थे वो भी, और जो बैठे थे वो भी। दोपहर की दोपहर हल्द्वानी मार्ग छोई के समीप दो स्कूटी सवारों को एक बोलेरो गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना के बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल में पुलिस के सामने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि अर्पित पवार 19 वर्ष जो कि इंदिरा कॉलोनी रामनगर का रहने वाला, तो वहीं वो अपने घर में टाइल्स का काम चल रहा था, अपने मिस्त्री वसीम के साथ टाइल्स लाने बेलपाव जा रहा था। बताया जा रहा है कि बोलेरो गाड़ी ने इस बीच छोई के समीप इन्हें टक्कर मार दी, जिसमें दोनों लोग घायल हो गए। घायलों को रामनगर के सरकारी अस्पताल उपचार के लिए लाया गया, जहां चिकित्सकों ने अर्पित पवार को मृत घोषित कर दिया, जबकि साथ में मौजूद वसीम की हालत गंभीर होने के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि बोलेरो गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी कि उसके एयर बैग तक खुल गए। वहीं उनका यह भी आरोप है कि पुलिस की जो बोलेरो थी वो पुलिस क्षेत्राधिकारी संचार उधम सिंह नगर की बताई जा रही है। उनका कहना है कि जो उसमें पुलिसकर्मी तैनात थे वो शराब के नशे में थे, और उनका मेडिकल नहीं कराया गया। परिजनों ने जमकर हंगामा भी काटा। परिजनों की मांग है कि जो उसमें पुलिसकर्मी शामिल थे उनका मेडिकल कराया जाए, और शराब के नशे में थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिलहाल अभी अस्पताल में मृतक के परिजनों का हंगामा जारी है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जन टीवी। और फिलहाल के लिए रुकेंगे खबरों में एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डोईवाला में 22 वर्षीय मेडिकल के छात्र ने सुसाइड कर लिया। डोईवाला गुरुद्वारा रोड प्रेमनगर का हर्ष सैनी रहने वाला था। यूक्रेन में एमबीबीएस चतुर्थ वर्ष में वो अध्ययनरत था। 11 जुलाई को अपने घर आया था। मृतक छात्र 13 अगस्त को वापस यूक्रेन जाने वाला था। आत्महत्या के कारणों की अभी स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। वहीं सूचना मिलते ही डोईवाला पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राज्य सरकार प्राचीन काल में उत्तराखंड के चारधाम यात्रा पैदल मार्ग को फिर से विकसित करेगी, जिससे राज्य में ट्रैकिंग टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए सरकार की ओर से योजना तैयार की गई है। शुक्रवार को तीर्थ नगरी पहुंचे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि उत्तराखंड की प्राचीन चारधाम पैदल यात्रा 5000 साल पुरानी है। राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा ट्रैक को फिर से विकसित करने का निर्णय लिया है। योजना के तहत मार्ग में पड़ने वाली चट्टियों पड़ावों की तलाश का काम शुरू किया जा चुका है। हमारे ट्रैक्स हैं, हम चाहते हैं कि इन पे हमारे पर्यटक भी जाएं और सरूताल का जो है वहाँ की विहंगम दृश्य को देखें, वहाँ के सुंदर दृश्य को देखें। तो निश्चित रूप में और भी जो ट्रैक्स हैं उनको हम लाने जा रहे हैं,
और हमारे तुंगनाथी बड़तवाल जी थे, उनके नाम पर भी हम एक कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं। बहुत बड़े विद्वान थे, आप सभी जानते हैं उनको। तो निश्चित रूप में आने वाले समय के अंदर ट्रैक्स को हम फिर से कर रहे हैं, प्राणवान कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हमारे जो होम स्टे हैं उनके अंदर भी 6 कमरों से लेकर 12 कमरे करने का हमारा विचार है। हमारे बड़ी सफल योजना है, कल मुझे राजा विक्रमादित्य जी मिले जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने हमारे होम स्टे की बड़ी तारीफ की और मुझसे पूरी सूचना मांगी कि होम स्टे के बारे में आप हमें बताइए ताकि हम भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो आज बहुत बढ़िया मॉडल बना है, गाँव के अंदर हमारे होम स्टे बन गए हैं। गाँव का भोजन जो आपका जो मंडवे की रोटी होती है, कंडली की भुजी होती है, नमक होते हैं, इस प्रकार से गाँव का भोजन आपको खाने को मिलेगा। लोहाघाट के रायनगर चौड़ी में महिलाओं की भव्य कलश यात्रा के साथ 8 दिवसीय विष्णु महापुराण कथा का शुभारंभ हो गया। इस दौरान मातृशक्ति ने कुमाऊनी परिधानों में सज धज कर भव्य कलश यात्रा निकाली। ग्राम प्रधान जितेंद्र राय ने जानकारी देते हुए बताया, रायनगर चौड़ी के समस्त ग्रामीणों के सहयोग से विष्णु महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी ग्रामीणों के द्वारा बढ़ चढ़कर सहयोग किया जा रहा है। 16 अगस्त को हवन यज्ञ और विशाल भंडारे के साथ महापुराण का समापन किया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत विधानसभा गंगोली हाट के गणाई मंडल के कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय में बैठक की, जिसमें मंडल प्रभारी और प्रदेश मंत्री दिनेश आर्य ने सभी कार्यकर्ताओं को अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी और सभी से 11 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकाल कर अपने घरों प्रतिष्ठानों पर तिरंगा लगाने की अपील करने को कहा। प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रत्येक कार्यकर्ताओं को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रत्येक घर पर तिरंगा अभियान के तहत प्रत्येक बूथ और प्रत्येक घर तक झंडा ले जाने का निवेदन किया है, जिससे हम सभी भारतवासियों को इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में आज़ादी का एहसास हो और अपने जो वीर महापुरुष वीरांगनाएं हैं उनको हम इस अवसर पर याद करें और इसी के निमित्त एक पेड़ माँ के नाम जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, प्रत्येक भारतीयों को अपनी माँ के नाम पर एक एक पेड़ लगाने का, इस पर भी बैठक में आज यह विषय आया। और युवा मोर्चा एवं अन्य मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी 11 से लेकर 15 तारीख तक आज़ादी के इस अभियान को रैली के माध्यम से, महापुरुषों को याद करने के माध्यम से मनाएगी। रुड़की में पिछले लंबे समय के बाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नगर निगम बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें रुड़की पिरान कलियर विधायक भी मौजूद रहे, जिसमें कई प्रस्ताव पास हुए और बजट पर भी चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि बोर्ड की अनुमानित इनकम 89 करोड़ है और उसमें से 70 करोड़ खर्च करने हैं, जिसमें से वेतन, स्वास्थ्य, लाइट सहित कई विकास कार्य होंगे। जितनी हमारी इनकम है लगभग 89 करोड़ के करीब बोर्ड की जो अनुमानित है, उसमें से लगभग 70 करोड़ धनराशि हम लोग खर्च करेंगे। इस 70 करोड़ की धनराशि में लगभग 33 करोड़ की धनराशि हमारे आपके वेतन में खर्च होती है और 6.5 करोड़ के करीब धनराशि हमारे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए है और पथ और उसके लाइटिंग की व्यवस्था के लिए लगभग 2.25 करोड़ रुपये हम इसमें खर्च करेंगे। और सर्वसम्मति से जितने भी मेंबर्स हैं, जितने लगभग 40 मेंबर्स हमारे नगर निगम क्षेत्र में हैं, तो हर वार्ड के अनुसार हम लोग इसमें विकास का कार्य कराएंगे। उत्तराखंड के राज्य सूचना आयुक्त तो योगेश भट्ट मसूरी नगर पालिका परिषद पहुंचे, जहां उनका स्वागत मसूरी के एसडीएम दीपक सैनी और अधिशासी अधिकारी राजेश नेथानी ने शॉल और पौधा देकर किया। इस मौके पर सूचना आयुक्त ने नगर पालिका परिषद के अंग्रेजों के समय से स्थापित रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण किया। रिकॉर्ड रूम में सभी दस्तावेजों को व्यवस्थित और सभी इंडेक्स बनाने के निर्देश भी दिए। सूचना अधिकार अधिनियम को लेकर एक सकारात्मकता बनी रहे और प्रत्येक लोक प्राधिकार या पब्लिक अथॉरिटी का जो मुख्य कंसर्न है वो उसके अभिलेखागार से होता है, क्योंकि ज़्यादातर सूचनाएं डॉक्यूमेंट्स से, अभिलेखों से रिलेटेड होती हैं। तो इसी क्रम में अभिलेख का निरीक्षण किया गया। यहाँ पे बहुत पुरानी ब्रिटिशकालीन नगर पालिका है और पुराना रिकॉर्ड रूम है, काफ़ी कुछ
यहाँ पर अन्य की अपेक्षा, अन्य लोकल बॉडीज़ की अपेक्षा अच्छी स्थिति में। कुछ कमियाँ हैं जिनके लिए कहा गया है अधिकारियों को कि भविष्य में इसको जो है और व्यवस्थित करें, ताकि रिकॉर्ड मेंटेन करने में और पालिका की कर्मचारियों की, अधिकारियों की वर्क एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद मिले। खबर पिथौरागढ़ के गंगोली हाट से है। यहाँ शहीद पवन सिंह शुगड़ा राजकीय महाविद्यालय गंगोली हाट में बीकॉम और स्नातकोत्तर की अभी तक कक्षाएं शुरू नहीं की गई, जिसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का उत्तर आया है। उन्होंने मुख्य तिराहे पर उच्च शिक्षा मंत्री और उच्च शिक्षा निदेशक का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया गया। इसके साथ ही एक ज्ञापन भी तहसील गंगोली हाट में दिया है। हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय के पौड़ी परिसर में छात्र संगठनों ने धरना देना शुरू कर दिया। छात्रों का कहना है कॉलेज में दाखिले के अनिवार्य की गई CUET की परीक्षा पहाड़ों के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। CUET ने छात्रों के दो अलग अलग पेपर अलग अलग जिले में रखे, जिससे मानसून सीजन में बंद रास्ते और कम समय होने की वजह से कई छात्र इस बार प्रवेश परीक्षा को नहीं दे पाए। ऐसे में छात्र संगठन ने UG ऑफलाइन मोड पर भी छात्रों को प्रवेश देने की मांग कॉलेज प्रशासन से की है। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी से की मुलाकात, उत्तराखंड के विकास सहित कई विभिन्न मुद्दों पर चर्चा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ली विभाग की समीक्षा बैठक, उत्तराखंड मंत्री रेखा आर्य VC के जरिए जुड़ी योजनाओं को लेकर हुई चर्चा। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भाजपा गणाई मंडल की बैठक, प्रदेश मंत्री दिनेश आर्य ने कार्यकर्ताओं को दी जानकारी, कहा इसे जन जन का अभियान बनाना है। उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनाव अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में, इलेक्शन से पहले अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को निगम बनाने की कवायद, OBC आरक्षण को लेकर भी तैयारी पूरी। और उत्तराखंड के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने सभी को दी सतर्क रहने की सलाह, चमोली में बद्रीनाथ हाईवे बंद। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।